यूपी के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट हॉस्पिटल समेत सभी जगहों पर संचालित कैंटीन में शुद्ध खाना परोसा जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग इन राइट्स कैंपस के तहत सभी संस्थानों को खाने की शुद्धता को लेकर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया कि 1 अगस्त से इसे शुरू किया जाएगा और 30 सितंबर तक सर्टिफिकेट प्रोग्राम को पूरा किया जाएगा। वहीं स्कूल में क्लास 1 से 5 तक, वहीं 6 से 8 और 9 से 12वीं तक के बच्चों को खाद्य सुरक्षा के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। स्कूल में बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। वहीं कैंटीन संचालक व फूड कोर्ट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद थर्ड पार्टी अथॉरिटी करेगी और कैंटीन में कर्मियों को दूर करने के निर्देश देगी। आपको बता दें कि सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि 2020 में इन राइट इंडिया योजना की शुरुआत पूरे देश में की गई थी। कोविड के आने के बाद अब इट राइट कैंपस योजना के तहत जो भी कार्य किए गए उसकी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें कानपुर का देश में 24वां और यूपी का 3रा स्थान था। कानपुर से पहले यूपी में वाराणसी को पहला और लखनऊ में दूसरा स्थान मिला है। वहीं IIT कानपुर और PSIT इंजीनियरिंग कॉलेज ये सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।